हे फ्रेंड्स, सभी ये कैसे हैं? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये थैला देख रहे हो ना, एक्चुअली हमारा किचन है और ये नाइट का टाइम है जब मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, ब्लॉग बना रही हूँ। ये थैला यहाँ पे टंगा हुआ है और ये मैं जिसमें बैठी हूँ ना, इसको इधर नहीं खिसका सकती, इधर भी नहीं खिसका सकती, तो मुझे ऐसे ही एडजस्ट करके बैठने हैं और आप सभी से बात करनी है। एक ज़रूरी बात करनी थी आप सभी से। आप लोगों को तो वैसे भी थंबनेल से पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। तो मैं बात करने वाली हूँ करवा चौथ के ब्लॉग के बारे में। आप लोगों ने कहा था, कमेंट किया था उस वीडियो पे कि चाय पी के चीटिंग मत करो, राइट? चाय पी के चीटिंग मत करो। तो मैं चीटिंग नहीं कर रही थी। देखो ऐसा है ना, सबसे पहले तो मैं कभी व्रत कभी रहती नहीं थी शादी से पहले, है ना। और जब मैं एक साल रही थी शादी के बाद, सिर्फ एक साल रही थी, और उसके बाद मेरा बाबू आ गया, उसके बाद मेरा करवा चौथ संबंध। तो जब फर्स्ट टाइम रही थी ना, तो उस टाइम मेरी सास, आप लोगों को भी तो आप जब भी रहे होंगे करवा चौथ का व्रत, तो आप भी किसी के थ्रू रहे होंगे, मतलब कोई आपको सिखाया होगा कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, ये सारे नियम का में ऐसे ऐसे नियम लागू होते हैं, ये सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो ये सारे बताए होंगे ना किसी ने, अपने से तो नहीं सीखे होंगे। मैं भी नहीं जानती थी, मैं तो कुछ भी नहीं जानती थी। फिर मेरी सासू माँ ने मुझे बताया कि इसमें ये सारे नियम हैं, इसमें ये सारी चीज़ें करनी हैं, और इसके बाद ये व्रत तोड़ने हैं लास्ट में, है ना। सारा कुछ मेरी सासू माँ ने बताया था और मुझे एक एक चीज़ बताई थी उन्होंने, यहाँ तक कि मुझे पूजा भी करना नहीं आता था, पूजा भी माँ ही करना सिखाई थी। वो वहाँ खड़ी रहती थी, मैं इधर सारे इसके बाद ये डालो, इसके बाद ये डालो, सारा कुछ वही बताती थी। फिर मैं सीख गई एक बार में, और सेकेंड टाइम पे मैं रही नहीं थी क्योंकि बाबू आया था, बाबू शायद मैं प्रेग्नेंट थी, हाँ कुछ रीज़न थे फ्रेंड्स, नहीं रह पाई थी दो साल तक नहीं रही थी। फिर तीसरे साल में मैं जब रही थी ना, तो वही कॉन्टेक्ट के थ्रू जो मुझे बता देते थे, मेरी भाभी बताती थी, मेरी दीदी बताती थी, मेरी सासू माँ बताई थी कि ये सारे नियम है। कुछ भी मुझे डाउट होता था ना, मैं क्लियर कर लेती थी, और यूट्यूब तो है ही हमारे पास, सारे क्वेश्चन का हल यहीं पर मिल जाता है, ये सबसे सीखी थी। तो मेरी सासू माँ जब मैं फर्स्ट टाइम रही थी ना, तो वो मुझे यही बताई थी जब मैं रही थी ना, उसके बाद मुझे चाय ज़रूर दिया था उन्होंने, उन्होंने बोला था हम भी चाय पीते थे अपने टाइम पे, तुम भी पी लो, तो ओके सब पीते हैं तो मैं भी पीऊँगी, बस ये हुआ था। और इसके बाद जब मैं रही थी ना, चाय पीती ही हूँ, पूजा करती हूँ 12-1 बजे नहीं होता है, 10 बजे वहाँ पे करी थी, और इधर करी थी जब सेकेंड टाइम अकेले रही थी तब मैं करी थी, 11-12 बजे तक मैं रेडी हो जाती थी पूजा के लिए, और पूजा कर लेती थी, देन मुझे चाय मिलता था और मैं चाय पी जाती थी। तो सब यही करते हैं हमारे साइड, सबका अलग अलग नियम होते हैं ना। कई लोग तो सरकी खाते हैं 4 बजे से पहले, और सासू माँ देती है, तो हमको तो दिए नहीं थे, हमारे में वो सब नहीं होता है। जो होता है ना वो करना पड़ता है अपने हिसाब से, नहीं होता सब कुछ, जो हमारे पूर्वज हमारी सासू माँ जो करते आ रही है ना, वही हमको सिखाएंगी, और वही हम सीखेंगे, वही हम करेंगे, तो ये होता है। और चीटिंग नहीं है फ्रेंड्स, ये चीटिंग आप बिल्कुल भी मत समझिए, बहुत ही दिल से करती हूँ मैं, बहुत मानती हूँ सभी देवताओं, देवी देवताओं को, भगवान को, सबको मानती हूँ। बोलने का मेरा यही एम था कि चीटिंग नहीं है, मैं दिल से मानती हूँ सब कुछ, बट हमारे यहाँ जो चलता आ रहा है ना, जो चीज़ हमें सिखाया गया है, वही चीज़ हम मानते हैं, वही चीज़ करते हैं। और आपके तरफ नहीं होता होगा ना चाय वाय कुछ पीना नहीं होता होगा, तो आप लोग नहीं पीते हैं, फूड सेविंग करते हैं, और अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मेरे से तो उपवास पहली बात रहा नहीं जाता है, लेकिन जब भी मैं रहती हूँ ना, तो बहुत दिल से रहती हूँ और ईमानदारी से निभाती हूँ सब चीज़ को, कोशिश करती हूँ कुछ भी बाधा मत आए, हिम्मत करती हूँ सब कुछ अच्छा हो। तो मेरी बातें आपको सबको अच्छी लगी होगी, मैं करवा चौथ में दिन का पूजा करने के बाद में जो चाय पीती हूँ ना, वो क्यों पीती हूँ आप सबको पता चल गया होगा, आई होप समझ में भी आ गया होगा क्यों पीती हूँ। आप लोग प्लीज़ मेरी बात को बुरा ना माने, समझें मुझे, समझने की कोशिश करें मैं ऐसा क्यों करती हूँ। जो हमें सिखाया जाता है ना, पूर्वज हमारे बड़े बुजुर्ग जो भी हमें सिखाए रहते हैं, हमको उस हिसाब से चलना पड़ता है, उस हिसाब से रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं पीती हूँ चाय, और चाय पीने के अलावा मैं कुछ भी नहीं पीती हूँ, और रात का खाना भी हम खाते हैं करवा चौथ के बाद में, क्योंकि ऐसा हमको पहले से ही बताया गया है कि ऐसा रहना है, तो ऐसा रहना है, तो उन्होंने बता दिया ना एक बार कि ऐसा रहना है, इसको रात में खाना मतलब पूजा करने के बाद में, व्रत तोड़ने के बाद में खाना खाना है, तो खाना खाते हैं हम प्रसाद के साथ में, जो भी हमारे यहाँ डिशेज बने होते हैं, जो भी स्वीट बने होते हैं, जो भी हम प्रसाद के रूप में चढ़ाए रहते हैं सबको खाने के बाद में, जितना भी खाओ, एक खाओ या दो खाओ, जितना भी प्रसाद खा लो, उसके बाद में खाना खा लो, कुछ भी खा लो, जो भी खाना खा लो, वैसे ही हमको सिखाया गया है, इसलिए हम वैसे करते हैं। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, और आप मेरी बात को बुरा मत मानिएगा, मैं बस आपको
बताना चाहती थी कि हमारे यहाँ ऐसा सब कुछ होता है। रोज़ के व्लॉग पे शायद नहीं बता पाई थी। मुझे अच्छा लगता है आप सभी कमेंट करते हैं, कुछ बातें करते हैं, मुझे समझ में आ जाता है कि सब कुछ डाउट क्लियर करना चाहिए लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ, और आप लोग कमेंट कर देते हैं तो मुझे एक मौका मिल जाता है उसको उसमें सफाई देने का, उसको उस डाउट को क्लियर करने का। तो आज का ये वीडियो यहीं तक है। मैं घर आई हूँ ना, तो अभी सबको खाना वाना खा के चले गए हैं। अभी देखो 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बजे गांव में खाना खा लेते हैं और सभी लोग चले गए हैं। मैं किचन में अकेले हूँ आप सभी से बात करने के लिए। ये वीडियो बनाना मुझे बहुत ज़रूरी लगा इसलिए मैंने बनाया। तो गाइस, ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें चैनल को और सपोर्ट करें प्लीज़। ससुराल में थी तो वहाँ पे नेटवर्क रहता नहीं है इसलिए वीडियो नहीं आ रही थी, बट अभी आ गई हूँ यहाँ। और यहाँ पे जितने भी मेरे पिछले वाले ब्लॉग्स हैं सब धीरे धीरे आने स्टार्ट होंगे। और अभी सोने जाऊँगी मैं भी, पानी वानी पी के दूध पीऊँगी पहले। मैं भी आई हूँ, ये देखिए दूध, और मैं सो जाऊँगी इसको पीने के बाद में। तो आप सभी को गुड नाइट। पता नहीं ये वीडियो आप कितने टाइम देख रहे होंगे, नाइट में वीडियो बना रही हूँ। तो गुड नाइट गाइस, आप सभी का रात अच्छा हो, आप सभी को गहरी नींद आए और सुबह आप जल्दी से उठ पाएँ। सुबह आप जल्दी उठ जाएं बट आपकी नींद पूरी हो जाए। जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय श्री राम।